इस मूवी में एक लड़के का अपने भाई की वाइफ के साथ अफेयर हो जाता है, फिर क्या क्या होता है ये हमें आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम जोई नाम की एक लेडी को देखते हैं। जोई एक शादीशुदा औरत है, उसके आदमी का नाम इग्नाजियो है। जोई अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद जोई और इग्नाजियो दोनों तैयार होकर चर्च जाते हैं और फादर से बात करते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। चर्च से निकलने के बाद जोई अपने हस्बैंड के भाई गोंजालो से मिलने जाती है। दरअसल गोंजालो एक पेंटर है और जोई यहाँ उससे एक पेंटिंग खरीदने आई है। इसके बाद गोंजालो अपनी पेंटिंग जोई को दिखाता है, जिसके बाद जोई गोंजालो की एक पेंटिंग खरीद कर घर लाती है। और घर पर जब जोई का हस्बैंड आता है तो वो गोंजालो की पेंटिंग देखकर जोई से पूछता है, क्या गोंजालो ने इस पेंटिंग को खरीदने के लिए तुमसे पैसे लिए हैं? जिस पर जोई हाँ करती है। इसके बाद इग्नाजियो बोलता है कि उसे इस पेंटिंग के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ। दरअसल इग्नाजियो और गोंजालो सगे भाई हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और फिर एक दिन जोई गोंजालो से अपनी फोटो शूट करवा रही होती है। इसी दौरान जोई जब बेड पर सोती है तो गलती से उसके फोन से इग्नाजियो को कॉल लग जाता है और वो फोन उठा लेता है। जोई गोंजालो से अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही होती है और वो गोंजालो से कहती है कि उसकी और इग्नाजियो की सेक्स लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है, और इग्नाजियो सिर्फ उसके साथ सैटरडे को ही इंटीमेट होता है। ये सारी बातें इग्नाजियो कॉल पर सुन रहा होता है और वो गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग को पूल में फेंक देता है। और फिर जब जोई घर आकर स्विमिंग पूल में पूल कर रही होती है तो तब उसे गोंजालो की पेंटिंग पूल में दिखती है, और फिर इसके बारे में जोई गोंजालो को बताती है तो गोंजालो उससे कहता है कि उसका भाई उससे बहुत जलता है। दरअसल अब भी जोई को कोई अंदाजा नहीं था कि इग्नाजियो ने उसकी और गोंजालो की बातों को कॉल पर सुन लिया था। और फिर जब जोई वहाँ से जाने के लिए उठती है तो गोंजालो उसे अपने घर पर रुकने को ऑफर करता है। और फिर सुबह उठकर वो देखती है कि गोंजालो भी उसके साथ बेड पर सोया हुआ है, और इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने पर उसे इग्नाजियो मिलता है तो जोई इग्नाजियो से पूछती है कि उसने वो पेंटिंग क्यों खराब कर दी। इग्नाजियो उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कि उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि गोंजालो ने उससे उसके लिए पैसे लिए थे। फिर हमें गोंजालो को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। गोंजालो की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि वो उससे शादी कब करेगा, जिस पर गोंजालो कहता है कि वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगा और वो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। ये सुनकर गोंजालो की गर्लफ्रेंड को काफी बुरा लगता है और वो उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोंजालो एक प्लेबॉय है जो लड़कियों के साथ रहकर उनके सिर्फ मजे लेता है, जिसके बाद वो जोई को कॉल करके बुलाता है और जोई से बोलता है कि उसे उस पे बहुत पहले से ही क्रश है, जिसके बाद वो जोई के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। ये सब होने के बाद जोई को काफी गिल्टी फील होता है और वो ये सब बात अपने एक गे फ्रेंड बोरिस से बताती है, जिस पर बोरिस उसे बताता है कि अगर उसका हस्बैंड उसे खुश नहीं कर पा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो अपनी खुशी बाहर ढूंढे। और फिर उसी रात डिनर में उन दोनों में बच्चे को लेकर फिर से झगड़े होते हैं, लेकिन तभी इग्नाजियो इन सब बातों को इग्नोर करके जोई से बोलता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि उसे ऑफिस के काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अगली सुबह इग्नाजियो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जोई गोंजालो को कॉल करके घर आने को कहती है और अपनी मेट को भी 2 दिन के लिए छुट्टी दे देती है ताकि वो गोंजालो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। और फिर उसी रात गोंजालो जोई के घर जाता है। गोंजालो जोई के क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन जोई उसे रोकती है। इसके बाद जोई को इग्नाजियो का कॉल आता है जो शहर से बाहर गया हुआ था। दोनों कुछ देर तक कॉल पर बात करते हैं और कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इग्नाजियो के होटल रूम में कोई और भी है, जिससे हमें पता चलता है कि इग्नाजियो भी जोई के साथ चीट कर रहा है और उसका भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इधर जोई और गोंजालो घर में डिनर करके ढेर सारी बातें करते हैं। जोई गोंजालो को रात में यहीं रुकने को कहती है और रात में गोंजालो जोई के क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन जोई उसे रोकती है। इस बात से गोंजालो को काफी गुस्सा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जोई उसे रोकती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रात को गोंजालो इग्नाजियो के पूल में टॉयलेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने भाई से काफी ज्यादा नफरत करता है और वो जोई के साथ इंटीमेट भी इसी वजह से हो रहा है। अगली सुबह गोंजालो जोई को बिना बताए वहाँ से चला जाता है, जो जोई को अच्छा नहीं लगता, और वो ये बात बोरिस को बताती है और वो ये भी बताती है कि उसे अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है,
जिसके बाद बोरिस उससे बोलता है कि उसने जो भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। इसके बाद जब जोई योगा क्लास में होती है तब गोंजालो उसे कॉल करके होटल रूम में बुला लेता है, जहाँ पहुँच कर गोंजालो उसके साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोई रात को इग्नाजियो के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन इग्नाजियो उससे कहता है कि आज सैटरडे नहीं है तो वो आज इंटीमेट नहीं हो सकते, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और आधी रात को जब जोई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि इग्नाजियो मास्टरबेट कर रहा है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं क्योंकि आज सैटरडे है। और उसी सुबह गोंजालो, जोई, इग्नाजियो और उसकी माँ पूरी फैमिली मिलकर साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और जब जोई किचन में जाती है तो गोंजालो भी उसके पास जाकर उसके साथ मेकआउट करता है। और उसी दौरान वहाँ घर की मेड आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर जब जोई और गोंजालो अकेले होते हैं तो जोई गोंजालो को अकेला देखकर कहती है कि इग्नाजियो को फिजिकल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर गोंजालो जोई से कहता है कि शायद वो गे है और उसे लड़के पसंद हैं। ये सब सुनकर जोई को भी थोड़ा शक होने लगता है और वो इसके बारे में बोरिस से पूछती है। बोरिस उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि इग्नाजियो एक गे है। इसके बाद उस रात जोई इग्नाजियो से डायरेक्ट पूछती है कि क्या वो गे है। इग्नाजियो इन सब से मना कर देता है और वो कहता है कि वो गे नहीं है। और उसी रात जोई इग्नाजियो के लिए एक लेटर लिखती है। वो उसमें लिखती है कि मुझे लगता है कि तुम गे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और फिर अगले दिन वो घर छोड़कर चली जाती है। इग्नाजियो इस बात से गुस्सा होता है और वो गोंजालो के पास जाकर उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं गे हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोंजालो इग्नाजियो से क्यों इतना नफरत करता था। दरअसल गोंजालो जब छोटा था तब इग्नाजियो ने सेक्सुअली उसे हैरेस किया था, यानी कि गोंजालो सच में गे है। और गोंजालो इग्नाजियो की वाइफ के साथ इसीलिए इंटीमेट होता था ताकि वो अपने पर हुए हैरेस का बदला ले सके। जिसके बाद इग्नाजियो घर आता है और देखता है कि जोई घर पर नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जोई एक होटल रूम में रुकती है और फिर वो अपने गे फ्रेंड बोरिस से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बच्चा गोंजालो का ही है। और फिर कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन इग्नाजियो मीटिंग के दौरान गोंजालो को देखता है। इग्नाजियो गोंजालो का पीछा करते हुए एक होटल रूम में पहुंचता है जहां जोई भी होती है। फिर इग्नाजियो चुपके से उनकी बातें सुनता है। जोई गोंजालो से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर गोंजालो जोई को एबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन जोई एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। इसके बाद गोंजालो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो जोई से कहता है कि अगली बार मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और फिर इग्नाजियो घर जाकर जोई का लेटर पढ़ता है। अब जोई एबॉर्शन के लिए सोच रही थी क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा अकेली है। और इसके बारे में वो अपने डॉक्टर से भी बात करती है। घर पर इग्नाजियो को पूल के अंदर जोई का फोन मिलता है और इसीलिए वो जोई को एक नया फोन गिफ्ट करता है, जिससे जोई इग्नाजियो को कॉल करके उससे बात करती है। और फिर कुछ देर बाद इग्नाजियो जोई से मिलने उसके घर आता है, जहां वो जोई से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार हूं। इसके बाद इग्नाजियो जोई को अपना ये सच भी बता देता है कि वो गे है, लेकिन इन सब बातों से जोई को कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों साथ रहने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद जोई एक बच्चे को जन्म देती है और फिर जोई उस बच्चे की फोटो गोंजालो को भी भेजती है, लेकिन गोंजालो अब एक दूसरी लड़की के साथ होता है। लास्ट सीन में जोई और उसके बच्चे इग्नाजियो और उसकी माँ को खुश दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज अब वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।